राइट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन बाई एक्स, एक्स इज लेस देन जीरो। चलिए देखते हैं एफ एक्स इक्वल टू, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह एक्स प्लस वन बाई एक्स। चलिए इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ से एफ डैश एक्स क्या मिलेगा, वन माइनस का वन बाई एक्स स्क्वायर। अब फिर इसके बाद लिख लेते हैं देयरफॉर एफ डैश एक्स इक्वल टू में जीरो, यानी हो जाएगा वन माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो, यानी कि आ जाएगा वन इक्वल टू में वन बाई एक्स स्क्वायर, यानी कि यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू में वन, एक्स इक्वल टू में आ जाएगा प्लस माइनस रूट वन, यानी कि एक्स इक्वल टू प्लस माइनस वन, एक्स लेस देन जीरो है इसका मतलब एक्स का वैल्यू यहाँ माइनस वन लेके चलो। चलिए अब इसके बाद देखिए आपके पास एफ डैश एक्स कितना आया है, तो एफ डैश एक्स आपके पास आया है वन माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। फिर से आप इसे डिफ्रेंशिएट करो, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ से क्या आ जाएगा देखिए, तो एफ डबल डैश एक्स क्या हो जाएगा, ये तो जीरो, इसका आ जाएगा यहाँ पे टू वाई में यहाँ पर एक्स क्यूब। चलिए देखते हैं एट एक्स इक्वल टू माइनस वन पे, तो क्या हो जाएगा एफ डबल डैश माइनस वन टू वाई में माइनस वन का क्यूब, यानी कि टू वाई में माइनस वन माइनस टू, जो कि जीरो से लेस देन है। तो देयरफॉर लिख सकते हैं यहाँ पर एफ एक्स इज मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू माइनस टू पर। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा तो उसमें रख देंगे तो आ जाएगा माइनस टू पे ना रखना है जी, तो माइनस वन पे है। चलिए तो माइनस वन और प्लस का वन बाई माइनस वन, तो माइनस वन प्लस माइनस का वन, यानी माइनस का टू आ जाएगा। समझ गए क्वेश्चन नंबर।